फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। और मैं अंजलि शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग में। और मोहिनी एकादशी की सबको शुभकामनाएं। और सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। बस अब मैं पूजा कर ली है, अब फलाहार करूँगी। थोड़ा सा फल काट के रखे हैं और बनाऊँगी अपने लिए थोड़ी लस्सी, क्योंकि ठंडा ठंडा पीने का मन कर रहा है गर्मी की वजह से। और बताइए आप लोग सब कैसे हैं? और गर्मी बहुत काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो ठंडा ठंडा कुछ खाने पीने का मन करता ही है सभी का। अक्सर कर सभी लोग खाते पीते होंगे आजकल। तो वैसे भी तरबूज खरबूज ठंडे ठंडे खूब सारे फ्रूट आ रहे हैं, फ्रूट खाइए। और आज मेरे ब्लॉग में देखने को मिलेगा आपको कि आज हम पिकनिक मनाने कहाँ जाएंगे अपनी फ्रेंड के साथ, हम सब लोग क्या, और सब लोग जाएंगे। तो देखिएगा मेरे ब्लॉग में ज़रूर आप लोग। चलो तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। मैं फलाहार कर लूँ कि मैंने सेब और खीरा काट के रखा है और खरबूजा, सॉरी सेब नहीं, खरबूजा काट के रखा है। बस उसी को खाऊंगी, काफ़ी टाइम हो गया है, भोग लगाया था भगवान जी को, वही उसी का भोग लगाऊंगी। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, मेरी रहिए हमारे साथ। अंकित की मम्मी को भी तो दिखाना है, अपनी अंकित की मम्मी को नहीं दिखाना है। चलो हाँ बढ़िया। ओए रुक जाओ भाई, हैं? हाँ खींच लिया। अंकित की मम्मी को दिखाएंगे, अरे बना कर ना। ये हमारा लड़का तो बेकार है बिल्कुल। ये बात सही है, हम सीढ़ियों से चल रहे हैं, आप लोग यहाँ से चलो। मालूम है शरण्या और वो ये सामने ना पड़ रखा। हमें कहाँ जाना है? यही जाना है ना, घूम गए क्या घर? हाँ अरे अपना ही घर भूल गए, कैसे काम चलेगा भाई? अरे हमारा उधर चला गया। अरे आप दूसरे टावर में आ गए। K2 है ये। टावर दूसरे में आ गए। चलो कोई नहीं, इसी में घुस जाओ भाई। किसी का खुला है? नहीं खुला है भाई, नहीं थी। अब तो वो चले गए, अब जाने दो उनको भाई। ऐसा है, चलो हम ताई जी वाले ही देखते चलते हैं फिर। ताई जी की चाबी है? अच्छा। एक ही बात है, ताई जी के घर की चाबी कहाँ है? ये घर हमने लिया है पर अंदर से बंद है, चाबी घर पर रह गई है। कोई बात नहीं, कौन सा सुन रहा है? भाभी को कूड़ा यहीं पड़ा है अभी तक, वो आएंगी तभी। अरे वाह, ये घर ज्यादा अच्छा लग रहा है भाई। उसकी बेल बजा दी क्या? वहाँ पे कोई और नहीं होता बेल बजाने वाला, क्या बात कर रही हो यार? अच्छा आओ। चलो भाई, अंधेरा हो रखा है इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा। चलो हाँ अब दिख रहा है, पूजा पाठ किया है। देखो फूल से फल से नहीं करके दिया ना, देखो अरे भैया हम तो ये तोड़ के ही घुस जाएंगे। यहाँ धूप आएगी यार। देखो तबेला फेसिंग में, तबेला फेसिंग वो बाहर से वो गणेश जी का फोटो खिंचवा लेंगे, पर हिल रही है ये, हिल रहा है। हाँ अरे भाई क्या खा, अच्छा पानी वानी हाँ
क्या तो खरीदार तैयार है। गौरी को फोन कॉल कर दूं? हाँ बोलो, खरीदार तैयार है, देख घूम देखने आए हैं। अब देखो आराम से, ये किचन की है, हाँ है ना, और आप ये दीदी का स्टोर है, नहीं ये स्टडी है, स्टडी रूम। हाँ इसका हम खोलेंगे। हाँ अच्छा ये, अच्छा ये, हाँ ये बड़ी बालकनी है ना, स्टडी है। हाँ ये स्टडी है, स्टडी के बाद ये उधर का कमरा खोलना वहाँ से। इधर आ जा भैया, स्टडी बनाएंगे, पूजा घर बनाएंगे, उनकी मर्जी है। ये लो एक बेडरूम मेरे जैसा, ट्वेल्व में लगा लो। पर यहाँ एक चीज सही नहीं है, टॉयलेट में जो फ्लश में पानी आता है ना, हाँ। वो अच्छा नहीं है। तो उसमें फ्लश में आरो का पानी चाहिए था, ये ठंडा ठंडा नहीं, वो पीला पानी है एक्चुअली में, यहाँ का सीवेज से ही फिल्टर हो के आ रहा है। वो गंदा पानी होता है, ट्रीटमेंट लेगा प्लांट के, और अच्छी भी लगी होती है ना, लाइट लगी यहाँ। इनका ना बेचना है ना फ्लैट, इसलिए कर रही है सब बेच सबको है ना। एक बात है, हम अगर ले भी लेना तो हम बालकनी में नहीं आ सकते, क्यों नो डर लगता है। अरे नहीं पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, आइए ये देखो गार्डन कितना सुंदर लग रहा है रात में ना। हाँ अरे वो बड़ा तारीफ मारती है ना, तभी तो दिखाना है, तारीफ मारती है ना। ये बात है रात का ही अच्छा लगता है, दिन में नहीं इतना ज़्यादा पता लगता कुछ भी है ना, रात में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वो आपके गणेश जी, हाँ गणेश जी तो जाएंगे तब, पानी नहीं चल रहा ना तो फाउंटेन चलता है। हाँ अलमारी वगैरह बनवा लूँ ना तो बहुत अच्छा लगेगा सब कुछ है ना। क्या कह रही है हमारे सोफा डलवाया गया था, बैठे नीचे कैसे साहब। हाँ हाँ जी का ये वाला है डॉली का जिसमें झंडा लगा हुआ है। हाँ उस दिन झंडा लगा है ना। हाँ वो वैसे आप इनका थर्ड पे है। हाँ इनका नीचे है। हाँ ये रहा इनका तो। हाँ नीचे है। अच्छा एक बात बताए, ये चीज़ बहुत अच्छी बनाई है ना। हाँ। ये सारा रिसेप्शनिस्ट वगैरह। हाँ ये चीज़ बड़ा साफ सफाई वाला है। हाँ सही है बेटा, पार्टी हॉल दिखाऊंगी सबसे बढ़िया। बेल बजा रहे थे। हाँ। अब बेल लगी नहीं है तो कैसे बजाओगे? बोलने के लिए लगभग तो ये आए हैं। हाँ लगभग क्या है, आवाज तो रहने की भी आवाज क्या है तो बोल दिया ना। हाँ ये पानी कहाँ से आ गया? ये ना इन्होंने वो काट कराया था ना। हाँ एक बात है, किचन काफ़ी बड़ी है आप लोगों की ना, दोनों की किचन बहुत बड़ी है ना, देखो ना। अच्छा ये खुला रह गया क्या? खुला नहीं रह गया, इसमें सीलन आ रही है, ये देखा तो है, ये मोड़ मार दिया है, ये क्या है? ये मास्टर बेडरूम है ना, मास्टर बेडरूम। हाँ बेडरूम एक ये है, एक ये है। अच्छा जो भी मास्टर नहीं, मास्टर में थोड़ा ज्यादा वैसे वो टॉयलेट बाथरूम से अटैच होते हैं ना, वो तो है उसमें। हाँ लाइट नहीं है तो नहीं
नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं, वो है तो सही लाइट। नहीं अच्छा ट्यूबलाइट लगा। जगह बहुत है, बहुत है जगह। हाँ एक बात होता है, दिखेगा चांद बड़े आराम से, देखो वहाँ दिखेगा है ना, कोई वो नहीं है। और देखो ये नीचे स्विमिंग पूल है। हाँ नीचे ध्यान रखना मोबाइल। अच्छा पूल है ये। अच्छा बस ये सब बन जाएंगे ना जब लोग आ जाएंगे ना, तब देखिए सोसाइटी कितनी सही लग रही है ना, यहाँ पूरा पार्क बनेगा। हाँ अब इसको टाइम लगेगा एक डेढ़ साल और क्या, पर फिर भी ले लिया कवर करा के। हाँ इसको देखते हैं ध्यान। एक बात होता है पैसा लगाने के लिए हो ना घरों में है ना, तो पैसा चाहिए तो फिर आप कुछ भी बनवा लो। भाभी का बर्थडे पर गए हैं तो अपनी आएंगे तो हम लोग फिर से कुछ दूसरा खाना लेके आएंगे, दाल चावल बना के आएंगे। हाँ दाल चावल, दाल चावल सब्जी नहीं भैया, थोड़ा खाना खा लें इस संडे है ना, तब तो अगले संडे को कहना मैं तुम आ जाना ठीक है, ये बोल देंगे इसको ये। आप क्या समझ रहे थे? हाँ नहीं उसके नहीं तो बताता अच्छी है ना है। वो देखो वो कौन है, गांधी जी के साहबजादे वो बंदर बाबू पापा जी वंश मोर। हाँ ये वंश मोर अभी सही मोर मोर नहीं बाबू बंदर है का कट्टे करके अपने ब्लॉग में। और कल हम कहाँ गए थे पिकनिक मनाने, वो सब देखने को मिलेगा मेरे ब्लॉग में। क्या हम दूसरा घर खरीद रहे हैं या हमने खरीद लिया है वही दिखाएंगे, और वहाँ जाके खाना वाना खाया था हमने, वो सब देखने को मिलेगा आपको। बताइएगा कैसा घर है, दो घर थे दोनों घरों में गए थे हम, तो सब देखने को मिलेगा आपको। कहाँ गए थे वो भी देखने को मिलेगा, और बताइएगा कैसा लगा, कमेंट करिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ब्लॉग अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, धन्यवाद। आज देखती हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ और किसके साथ जाऊँगी, चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद।